एनिमे से मेरा इंट्रोडक्शन डेथ नोट के साथ हुआ था एंड आई हैव टू से कि क्या अमेजिंग इंट्रोडक्शन था, एकदम माइंड ब्लोइंग। तब से लेकर आज तक मैंने 7 से 8 एनिमे सीरीज को देख लिया है। वाह क्या सीन है। अब हालांकि फिलहाल मैं डीमन स्लेयर देख रहा हूँ, लेकिन जिस एनिमे सीरीज को मैं अप टू डेट करके कंप्लीट करके चल रहा हूँ वो है जुजुत्सु काइसेन। और आज की वीडियो में हम इसी के पूरे यूनिवर्स पे बात करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू लोगिनियन, जहां लोगी यानी मैं दूंगा जुजुत्सु काइसेन के पूरे यूनिवर्स पे अपनी ओपिनियन। तो जिन्हें जुजुत्सु काइसेन के बारे में कुछ नहीं पता उन्हें बता दो कि इस एनिमे में हमें कर्स और उससे जुड़ी एनर्जीज के बारे में बताया गया है। बेसिकली हमारी दुनिया जब से एग्जिस्ट करती है तब से कर्स्ड एनर्जीज भी एग्जिस्ट कर रही है। हर एक इंसान के अंदर नेगेटिव इमोशंस होता है जिसे कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते और इसी से जन्म होता है कर्स का। इसी कर्स्ड एनर्जीज को सॉर्सरर्स और कर्स्ड स्पिरिट्स मैनिपुलेट कर पाते हैं जिससे उन्हें ताकत मिलती है। अब जुजुत्सु एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कर्स रिलेटेड सारे मिस्टिकल आर्ट्स आते हैं, इसीलिए जुजुत्सु सोसाइटी में आपको जुजुत्सु सॉर्सरर्स और जुजुत्सु हाई जैसे टर्म सुनने को मिलेंगे। और ऑब्वियसली जो लोग जुजुत्सु को यूटिलाइज कर पाते हैं उन्हें जुजुत्सु सॉर्सरर्स कहा जाता है और जो लोग नहीं कर पाते उन्हें नॉन सॉर्सरर्स कहा जाता है। जस्ट लाइक हैरी पॉटर में, जैसे कि मैजिशियंस है तो विजर्ड हुए वरना वो मगल हो गए। ठीक है, अब जुजुत्सु सॉर्सरर्स का काम कर्स्ड एनर्जी को मैनिपुलेट करके कर्स स्पिरिट्स और कर्स को खत्म करना होता है ताकि ह्यूमंस आराम से जी सके। तो ये तो ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता कि जुजुत्सु कब से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब से हमारे पृथ्वी पे कर्स स्पिरिट्स या एनर्जीज रूम कर रही हैं तब से ही जुजुत्सु भी है। द हायन एरा वो एरा है जिसमें रोमन सुकुना को हरा दिया गया था और इसी वजह से जुजुत्सु में इसको गोल्डन एरा कहा जाता है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि सुकुना कर्स की दुनिया में किंग ऑफ कर्सेस माना जाता है। सुकुना सबसे ताकतवर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इविल है और यही वजह है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स के वो नाक में हमेशा दम किए रहता है। मॉडर्न एरा में भी सॉर्सरर्स फैमिली अपने कम्युनिटी के लैंडस्केप की रक्षा करती आई है एंड द बिग थ्री सॉर्सरर्स की फैमिली द बिग थ्री वेंजफुल स्पिरिट की डिसेंडेंट है जो कि हायन एरा के दौरान के सबसे स्ट्रॉन्ग 3 सॉर्सरर्स थे। इन सॉर्सरर्स की फैमिली में अपनी एक एडवांस कर्स टेक्निक होती है जो कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन करते चलते हैं। करंट टाइम में जुजुत्सु सॉर्सरर्स को ट्रेन करने के लिए स्कूल स्थापित कर दिए गए हैं जिनमें से टोक्यो और क्योटो वाला स्कूल काफी फेमस है। इन स्कूल्स को जुजुत्सु कम्युनिटी के पिलर्स की तरह देखा गया है और यहाँ यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे कर्स और भी पावरफुल होते चले गए। वैसे में इन कर्सेस को कंट्रोल करना जुजुत्सु सॉर्सरर्स के ही हाथ में है। नाउ गोजो फैमिली के दो क्राउन ज्वेल द सिक्स्थ आई एंड द लिमिटलेस का बहुत बड़ा रोल रहा है कर्सेस को कम करने में। नाउ यहाँ जो एक कैरेक्टर है जिसका नाम सतोरु गोजो है वो 100 साल में पहला ऐसा कैरेक्टर पैदा हुआ है जिसके पास ये दोनों टेक्निक है। जी हाँ, द सिक्स आई की और द लिमिटलेस की। यही वजह है कि गोजो अभी के टाइम का सबसे पावरफुल सॉर्सरर है और वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह है। आसान भाषा में कहें तो गोजो इज ओपी। गोजो के जन्म के बाद वर्ल्ड का बैलेंस ठीक हो गया और एक बार फिर से पलरा सॉर्सरर्स का भारी हो गया। नाउ जुजुत्सु हाई जो कि सॉर्सरर्स को ट्रेन और एजुकेट करने का काम करता है वो इन सॉर्सरर्स को उनके पावर के हिसाब से उन्हें एक ग्रेड देता है। ये ग्रेड्स यूजुअली ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 1 तक जाते हैं एंड देन कुछ सॉर्सरर्स स्पेशल ग्रेड होते हैं। नाउ नॉर्मली जब भी सॉर्सरर्स स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो उनका ग्रेड 4 ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉर्सरर्स हुए हैं जो कि ज्वाइनिंग के वक्त से ही ऊंचे ग्रेड पे थे, फॉर एग्जाम्पल यूटा। अब कर्स स्पिरिट्स जो होती हैं उनको भी इसी ग्रेड पे रैंक किया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली इन दोनों को आप मैच नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो एक ग्रेड 2 का जो सॉर्सरर होगा वो ग्रेड 2 के कर्स को इजीली हरा सकता है, यानी कर्स को जो ग्रेड किया गया है, यानी कि ग्रेड 4 का अगर कोई कर्स है तो ग्रेड 4 का जो सॉर्सरर होगा वो इस कर्स से ज्यादा पावरफुल होगा। अब जिस तरह जुजुत्सु सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट को रैंक किया गया है वैसे ही कर्स्ड टूल्स भी होते हैं जिन्हें ग्रेड 4 से ग्रेड 1 तक रैंक किया गया है। या मुझे कहने की जरूरत नहीं कि जितना पावरफुल एक टूल होगा उतना ही अच्छा उसका ग्रेड होगा। अब एक जुजुत्सु सॉर्सरर की रैंक तभी बढ़ सकती है जब एक हायर अप उसके रैंक को बढ़ाने का रिकमेंडेशन दे, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जुजुत्सु सॉर्सरर का जो टीचर होगा वो उसे प्रमोट नहीं कर सकता। जी हाँ, एक सॉर्सरर यूजुअली अपने रैंक अप की रिक्वेस्ट एक जुजुत्सु हायर अप से करता है और अगर दो हायर अप्स मान लेते हैं कि हाँ इसको रैंक अप दिया जा सकता है तो फिर कुछ स्टेप्स होते हैं एंड देन उसको अपना ग्रेड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सॉर्सरर को ग्रेड 1 चाहिए तो ऑब्वियसली हायर अप से तो परमिशन चाहिए ही होगा, साथ ही साथ उसे अकेले एक ग्रेड 1 के कर्स को हराना भी पड़ेगा। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ।
अब क्योंकि हम ग्रेड्स की इतनी बात कर रहे हैं तो चलिए हम समझते हैं कि यहाँ क्या क्या ग्रेड्स हैं। तो सबसे पहले ग्रेड 4 जो कि ऑब्वियसली लोएस्ट ग्रेड है और कोई भी सॉर्सरर जब जुजुत्सु हाई स्कूल में आता है तो वो ग्रेड 4 पे ही होता है। ग्रेड 4 के नोन सॉर्सरर है माकी जेनिन जो कि जेनिन फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि माकिन की जो पावर्स है वो एक्चुअली ग्रेड 4 से कई ज्यादा है, लेकिन उसकी अपनी फैमिली से कुछ अनबन चल रही है और वहाँ बहुत पॉलिटिक्स है जिस वजह से उसको ग्रेड 4 में रखा गया है। नाउ ग्रेड 3 में यूजुअली एवरेज जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं और कई स्टूडेंट्स तुरंत ही ग्रेड 4 से ग्रेड 3 पहुंच जाते हैं। नाउ ग्रेड 2 एक अच्छा ग्रेड है जहां एवरेज से बेटर सॉर्सरर्स रहते हैं और मोस्ट ऑफ द सॉर्सरर्स जिन्हें आप जुजुत्सु काइसेन सीरीज में देखोगे वो या तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में ही रिसाइड करते हैं। ग्रेड 2 के कुछ नोन सॉर्सरर्स हैं मुगिमी फुशिगिरो, पांडा, मोमो इत्यादि। नाउ इसके बाद आता है ग्रेड 1, लेकिन ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के बीच में एक सेमी ग्रेड 1 भी होता है जिसमें यूजुअली उस सॉर्सरर को रखा जाता है जो कि ग्रेड 1 के लिए अप्लाई तो कर दिया है लेकिन अभी तक वो सिंगल हैंडेडली एक ग्रेड के कर्स को हरा नहीं पाया है, यानी उसे हायर अप से परमिशन मिल गई है, वो एकम्प्लिस बन के हायर सॉर्सरर्स के साथ मिशंस पे जा रहा है, लेकिन वो ग्रेड 1 को जब हराएगा तो उसे ग्रेड 1 मिल जाएगा। नाउ ग्रेड 1 एक ऐसा ग्रेड है जो कि बहुत ही बढ़िया है और हर एक सॉर्सरर का ख्वाब होता है कि वो ग्रेड 1 तक पहुंच जाए। इस ग्रेड में एक जाना माना सॉर्सरर है टोडो और ग्रेड 1 के जो सॉर्सरर होते हैं वो ग्रेड 2 से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब जो सॉर्सरर्स ग्रेड 1 में बहुत ही एक्सेप्शनल पावर्स दिखाते हैं उसको स्पेशल ग्रेड वन में रखा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये ग्रेड 1 से भी थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन यहां आता है फाइनली स्पेशल ग्रेड और ये एक ऐसा ग्रेड है जिसमें जो सॉर्सरर्स रहते हैं उनकी पावर का कोई लिमिट ही नहीं है, यानी उसको नापा ही नहीं जा सकता, तो उसे हम बस स्पेशल ग्रेड कह देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सतोरो गोजो या फिर यूटा, इन दोनों के पावर्स बहुत ही ज्यादा थे। तो अब जबकि हम पावर्स की बात कर रहे हैं तो चलिए हम कुछ ऐसे कर्स टेक्निक्स के बारे में भी जानते हैं जिसे हमने सीरीज में देखा है। अब ध्यान रहे कि मैं सारे टेक्निक्स को नहीं बता पाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं कुछ टेक्निक्स जरूर बता दूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कर्स एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है और उसी को मैनिपुलेट करके और उसी का इस्तेमाल करके सॉर्सरर्स जो है अपने पावर्स को एग्जिबिट करते हैं। इसी चीज को एक अम्ब्रेला टर्म में कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन कहा गया है और यहां इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं जैसे कि डाइवर्जेंट फिस्ट, रेसिडुअल्स, ब्लैक फ्लैश इत्यादि। नाउ कर्स टेक्निक कर्स मैनिपुलेशन का एक एडवांस तरीका है जिसमें अपने एनर्जी को यानी नेगेटिव एनर्जी को मैनिपुलेट करके सॉर्सरर्स कुछ भी करा सकते हैं। अब इन टेक्निक्स के कई टाइप्स होते हैं और चलिए उनमें से हम कुछ को जानते हैं। तो सबसे पहले आता है इनेट टेक्निक्स। ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि सॉर्सरर पैदा होते वक्त ही अपने अंदर लेकर पैदा होता है। ये टेक्निक हर सॉर्सरर में यूनिक होती है और इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। इसका एग्जांपल हो सकता है महितो का आइडल ट्रांसफिगरेशन जहां वो सोल्स को वार्प कर देता है, कोई भी शेप या फॉर्म दे सकता है। इनफैक्ट हमने देखा कि महितो तो जिसे छू लेता है उसके भी शेप को चेंज कर पाता है और अपने बॉडी को भी अलग अलग तरह से चेंज करता है। नाउ इनेट टेक्निक्स के बाद आता है इनहेरिटेड टेक्निक्स और ये ऐसी टेक्निक है जो कि किसी पर्टिकुलर सॉर्सरर फैमिली में जनरेशन से जनरेशन चली आ रही है। इसका एग्जांपल हो सकता है ज़ेनिन फैमिली का 10 शैडोज टेक्निक जिसमें वो 10 पावरफुल शिनिगामी को समन कर पाते हैं। अब यहां मैं एक रिवर्स कर्स टेक्निक की बात करना चाहूंगा जिसमें क्या होता है कि दो नेगेटिव एनर्जीज को कंबाइन करके पॉजिटिव एनर्जी बनाया जाता है। अब सुनने में ये बहुत आसान है लेकिन एक्चुअल में इसको परफॉर्म कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आई मीन ग्रेड 1 या स्पेशल ग्रेड के जो सॉर्सर्स होते हैं वही से कर पाते हैं। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट सॉर्सर्स होते हैं वो भी ये काम नहीं कर पाते। ऑब्वियसली इसे कुछ एक्सेप्शंस हैं बट यूजुअली मैं ऐसा बता रहा हूं। तो अब जबकि आपको कुछ कर्स टेक्निक के बारे में पता चल गया है, चलिए हम उन तीन सॉर्सर फैमिली के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के लिए। तो सबसे पहले है गोजो फैमिली जो कि मिचिगाने सुगुवाड़ा के डिसेंडेंट्स है। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया है। नहीं, मिचिगाने हाइएन एरा के एक लेजेंडरी सॉर्सरर हुआ करते थे। करेंटली गोजो फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही मेंबर है जो कि है सतोरु गोजो, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है अभी के वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सॉर्सरर है। वो सिक्स आई और लिमिटलेस दोनों टेक्निक को इनहेरिट किया है जिससे उसकी पावर काइंड ऑफ अनलिमिटेड हो जाती है और ऐसा 100 साल में सिर्फ एक बार होता है। गोजो की वजह से ही सॉर्सरर्स कर्स्ड स्पिरिट्स पे भारी पड़ रहे हैं, वरना स्पिरिट्स कब का इन लोगों को खत्म कर देते। अब अगली फैमिली है जेनिन फैमिली जिसमें कर्स टेक्निक को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आई मीन ये फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट है कि इनका अगर कोई डिसेंडेंट ऐसा निकल जाए जिसके पास कर्स टेक्निक नहीं है या फिर वो कर्सेस को नहीं देख सकता है तो वो उसे अपने फैमिली से ही डिच कर देते हैं। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको माकी जेनिन के बारे में बताया था। वेल, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ है जहां वो है तो बहुत स्ट्रांग लेकिन वो कर्सेस को देख नहीं पाती, उसके लिए वो एक स्पेशल कर्स्ड ग्लास यूज करती है और यही वजह है कि जेनिन फैमिली माकी को इग्नोर करते हैं बहुत ज्यादा और इसीलिए वो ग्रेड 4 पे ही अटकी हुई है। अब तीसरी फैमिली है कामो फैमिली और यहां भी इनेट टेक्निक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन
कामो फैमिली की एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री है। इस फैमिली का एक सॉसरर था नोरितोशी कामो, जिसे मोस्ट इविल सॉसरर माना जाता है। उसने कर्स स्पिरिट्स और ह्यूमंस के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स करे थे कि इससे इजाद हुआ कर्स्ड वूम डेथ पेंटिंग्स का। इन एक्सपेरिमेंट्स का इतना बुरा असर पड़ा था कि कामो फैमिली की जो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है वो कर्स्ड स्पिरिट्स के पास चली गई थी। अब इन तीन फैमिली के अलावा एक इनुमाकी फैमिली भी है, जिनका इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल पावर इन तीन फैमिली जितना नहीं है, लेकिन हाँ, इनके पास भी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। ये टेक्निक है कर्स स्पीच टेक्निक। और उसमें होता क्या है कि जो भी इंसान इस टेक्निक को पजेस करता है, वो कुछ भी बोलेगा वो सच हो जाता है। ऑब्वियसली डिपेंड्स कि वो कितना पावरफुल है, और तभी इसका इंप्लीकेशन होगा। तो ऐसे में जिसके पास ये टेक्निक है वो कुछ भी नहीं बोल सकता। और सीरीज में हम देखे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर था, वो टोगे इनुमाकी था ना, जो कुछ बोल ही नहीं पाता था। मतलब बोलता भी था तो फूड का नाम बोनीतो फ्लेक्स ये सब। हाँ, वो उसके पास कर्स स्पीच का टेक्निक है। तो इतना सब जानने के बाद आपको जोसू कैसन यूनिवर्स का एक बहुत ही अच्छा अंदाजा हो गया होगा। और यहां मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्पेशल ग्रेड होते हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होते। जी हाँ, उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। इसके एग्जांपल है महितो, जोगो, हगामी इत्यादि। वही इस यूनिवर्स में वेंचफुल स्पिरिट्स भी हैं, जो कि स्पेशल ग्रेड हो सकते हैं, और स्पिरिट्स उन पर फीड करके अपनी पावर्स को बढ़ाते रहते हैं। तो बस यही थी मेरी एक्सप्लेनेशन पूरे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो पे 1K लाइक्स आती है तो मैं ऐसे ही बहुत सारे एनिमे यूनिवर्स को डीप डाइव करूंगा और बहुत कुछ बताऊंगा। इनफैक्ट जुजुत्सु काइसेन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आपको पता चल जाएगा वो। तो प्लीज सपोर्ट कर दो, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, एडिट करने में। देख रहे हो, पसीना पसीना हो गया हूं। तो प्लीज हाँ, लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।